पिछले दिनों आंटी जहेज की डिमांड्स के लिए एक लिस्ट छोड़ के गई थी हमारे घर। तुम्हें इस बात का इल्म है? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में। क्या कह रहे हो? ये पढ़ो। ये नहीं है, कोई इतना सीरियस इशू नहीं है, परेशान नहीं होना। सीरियस इशू तो है ना सर, रूफी की इज्जत और हरीम की सारी जिंदगी का मामला है। यार रुपी, मैंने तुम्हें बताया था ना, अम्मा पुराने ख्यालात की खातों, उनके लिए रीत रिवाज ये कोई मायूब बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ तुमसे। शादी ब्याह के मामला आते हैं, उसमें ऐसी चीजें होती रहती हैं, परेशान नहीं होती। देखो, दुनियादारी से चलना हमें भी आता है, लेकिन इस तरह हरीम को सामान की तरह किसी तराजू में मत तोलो, बनाए तो किसी को तोलने दो। हरीम बहुत अच्छी लड़की है यार, उसकी कदर करो। ऑनेस्टली ब्रो, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे घर रुखसत होके आ रही है, उसकी कदर कर भाई। और जहां तक एक भाई की हैसियत से हो सकता है, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन फिर तुम्हारे घर वालों को संभालना तुम्हारा काम है। हमसे जो कुछ हुआ हम जरूर करेंगे, लेकिन इस लिस्ट की डिमांड मीट करना हमारे बस की बात नहीं है। हाँ सर, ये तुम्हारा और हरीम की जिंदगी का मामला है। मैं सिर्फ इतना सजेस्ट कर सकता हूँ कि किसी भी तरीके की बदगुमानी और बदनीयती को दूर रखो, और अगर तुम्हारी वालदा इस तरह सोचती हैं तो मुझे लगता है कि तुम्हें रिश्ता लेके नहीं जाना चाहिए था। पहली बात, ये हम दोनों खानदानों के आपस का मामला है, हम आपस में तय कर लेंगे। और दूसरी बात, तुम्हारी वालिदा, उनका क्या? क्या तुम नहीं जानते उनके ख्यालात क्या हैं, वो किस तरह सोचती हैं? तो मुझे मशवरा दो ही मत। नासिर, अच्छा बस प्लीज, तुम लोग को बिला वाले झगड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग साथ मिलकर सलूशन ढूंढ लेते हैं, सुलझा लेते हैं एक मसले। देखो तुम्हें कैसे लगेगा अगर मैं इतनी बड़ी लिस्ट कमाएगा भी बेचता।